सो हाय, दिस आशीष, यू आर वॉचिंग टी सुरी। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज फिर से मैं एक और YouTube से रिलेटेड टॉपिक लाया हूँ। देखिए, एक यूट्यूब चैनल बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। एक YouTube चैनल को बनाने में लगता है क्या, एक जीमेल आईडी, वो सबके पास होती है भाई। लेकिन एक YouTube चैनल को समझने, चलाने और एक सक्सेस वाली स्टेज तक ले आने में सालों निकल जाते हैं। कहते हैं कि 100% यूट्यूबर में से सिर्फ 5% ऐसे यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब से अच्छा पैसा कमा पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आता है? देखिए, डिफरेंस इसलिए आता है कि कुछ यूट्यूबर प्रिपरेशन करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं कि क्या चीज है यूट्यूब में जो उन्हें सक्सेस बना पाएगी, और तब जाके वो इन्फॉर्मेशन के बाद वीडियो बना के डालते हैं। मगर वहीं पे कुछ यूट्यूबर कुछ नहीं पढ़ते, सिर्फ वीडियो का टॉपिक उठाया, बनाया और डाला, और वो अनसक्सेसफुल रहते हैं हमेशा। देखिए, आज की डेट में यूट्यूब में कॉम्पीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर ये सब चीजें सोच समझ के की जाए, पूरी प्रिपरेशन के साथ की जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, इसी चीज को लेके मैंने ये वीडियो बनाई है और कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि किस तरीके से होता है स्टेप बाय स्टेप। मेरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो की ये वाली लाइन है। आप ये समझ लीजिए कि जिस दिन आपके दिमाग में आए कि आज आपको YouTube चैनल बनाना है, उस दिन आप रुक जाइए अगले 30 दिन तक। जिस दिन आपके दिमाग में ये बात आए कि आपको YouTube चैनल बनाना है, आप उस दिन रुक जाइए अगले 30 दिन तक। घबराइए मत, मैं 30 दिन आपको रुकने के लिए क्यों कह रहा हूं मैं बताता हूं। इन 30 दिनों के बीच में आप करेंगे प्रिपरेशन। वो प्रिपरेशन होगी क्या, वो मैं आपको बताता हूं। तो ऐसी 10 चीजें मैं आपको बताऊंगा जिनके बारे में आपको पढ़ना है और प्रिपरेशन करनी है। तो उसमें सबसे पहला है टॉपिक ऑफ योर चैनल। आपका यूट्यूब चैनल किस टॉपिक पे होने वाला है, वो टॉपिक आपको सेलेक्ट करना है। वो टॉपिक सेलेक्ट कैसे किया जाए, यूट्यूब पे अनलिमिटेड टॉपिक है, स्पोर्ट्स से, कॉमेडी से, एंटरटेनमेंट से, सॉन्ग से, फिटनेस से, एजुकेशन ट्यूटोरियल से लेके एटसेट्रा, दुनिया भर के टॉपिक भरे पड़े हैं। लेकिन आप कुछ नया तो नहीं कर सकते, मैं जानता हूं, लेकिन उन्हीं टॉपिकों में से आप इस तरीके से समझाने की कोशिश करें कि आप बेस्ट बन जाए। आप अगर गा रहे हैं तो आप सबसे बेहतर गाएं, आप अगर कॉमेडी कर रहे हैं तो आप सबसे बेहतर करें। यानी कि कहने का मतलब है कि आप उस टॉपिक को चुनिए जो आप हैं। देखिए, मैं जो जॉब करता हूँ एक्सेल से रिलेटेड करता हूँ, तो मैं एक्सेल के बारे में पढ़ाता हूँ लोगों को कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर चलता है। तो मुझे टीचिंग का थोड़ा सा शौक है, इसलिए मैं ये चैनल चलाता हूँ। किसी को गाने का शौक है तो वो गाने का चलाता है। तो आप देखिए कि आपकी हॉबी क्या है, आप क्या अच्छा करते हैं, जो आप सबसे बेस्ट करते हैं आप उसी को लेके आए यूट्यूब में। क्योंकि अगर आप टॉपिक से बाहर जाके वीडियो बनाएंगे तो आप 3-4 महीने ही कर पाएंगे, और आपको सक्सेस नहीं मिली आप चैनल छोड़ देंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ना उस टॉपिक को चुने जो आप है। दूसरा है नेम ऑफ योर चैनल। आपके चैनल का नाम क्या रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो चैनल है उसका नाम यूनिक होना चाहिए और बहुत इजी होना चाहिए। यूनिक मैं इसलिए कह रहा हूं कि मान लीजिए टेक्निकल फील्ड में आजकल क्या हो रहा है कि सब टेक्निकल 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 आशीष, टेक्निकल राजस्थान, टेक्निकल ये, टेक्निकल वो, टेक्निकल टेक्निकल रख रहे हैं। लेकिन अगर कोई टाइप करता है तो टेक्निकल पे सबसे पहले आते हैं गुरुजी, फिर टेक्निकल दोस्त, टेक्निकल सागर, इस तरीके के बहुत सारे चैनल टेक्निकल से रिलेटेड आते हैं। और अगर आप फिर टेक्निकल यूज कर रहे हैं अपने चैनल के नाम में, तो आपका नाम कितनी पीछे आएगा आप सोच लीजिए। तो इसलिए अगर आप टेक्निकल भी चैनल बना रहे हैं तो आप ये नाम मत चुनिए, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। आप अपना नाम रख सकते हैं, आपका नाम यूनिक हो सकता है। तो दूसरा होगा आपका नेम ऑफ योर चैनल। जितना ईजी होगा उतना सर्च में ज्यादा आएगा, जितना यूनिक होगा उतना सर्च में ज्यादा आएगा। ओके, सो दूसरा है नेम ऑफ योर चैनल। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो आप जीमेल आईडी बनाएंगे अपने चैनल के लिए, आपको देखना है कि सोशल नेटवर्किंग जितने भी ये इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर है, उन सब पे आप उसी नाम से पेज बना पाए। क्योंकि ऐसा होता है कि ऑलरेडी वो नेम पे कोई और पेज बना होता है। तो आप इस तरीके का नेम सेलेक्ट करें जिसके आप जीमेल आईडी बनाएंगे, उस तरीके का पेज वहां पे ना हो उस नाम से। ओके, फोर्थ चीज है लैंग्वेज। आपके चैनल की लैंग्वेज क्या होने वाली है, यानी कि आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप इंडियंस को कर रहे हैं तो आप हिंदी में बनाएंगे, जैसे मैं बना रहा हूं। अगर आप की अच्छी इंग्लिश है और आप चाहते हैं कि आप अगर ऐसा करेंगे तो बाहर के लोग भी आपको देखेंगे, तो आप इंग्लिश में बना सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है पांचवा, जिसमें मैं लोगो और चैनल आर्ट दोनों को रखूंगा। देखिए, लोगो वो होता है जो एक छोटा सा आपके चैनल के ऊपर आता है, और चैनल आर्ट होता है जो एक बैनर की तरह लंबा सा होता है।
तो देखिए ये दोनों आपके चैनल को दर्शाते हैं कि आप क्या करते हैं। बहुत अच्छा लोगो, बहुत अच्छी इमेज बनाएगा, बहुत अच्छा चैनल आर्ट, आपकी बहुत अच्छी इमेज बनाएगा। चैनल आर्ट पर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, दिखा सकते हैं लोगों की आप क्या क्या करते हैं, कब वीडियो डालते हैं। तो इन दोनों को आप बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। छठे नंबर पे मैं रखना चाहूंगा टाइटल को। देखिए वीडियो का टाइटल किस तरीके से रखा जाता है। देखिए अब जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ 6, 7, 8, इसके बारे में आपको पढ़ना है कि ये किस तरीके से रखे जाते हैं, जैसे टाइटल किस तरीके से रखा जाता है वीडियो का। बहुत सारी चीजें होती है कि कौन सा वर्ड रखना चाहिए, कौन सा वर्ड नहीं रखना चाहिए, कितना लंबा टाइटल होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए। तो इस तरीके का आपको पढ़ना है कि किस तरीके से टाइटल रखा जाता है। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है जिसको आपको लिखना पड़ता है। वो डिस्क्रिप्शन में आप जितना ज्यादा लिखेंगे मेरे हिसाब से उतना ज्यादा सर्च में आपके आने की चांस रहेगा। तो जितना बड़ा डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे उतना ज्यादा चांस रहेगा आपका सर्च में आने का। तो डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखते हैं वो आपको देखना होगा। उसके बाद टैग्स। टैग्स क्या होता है कि आप टैग्स में क्या होता है, आपको बहुत सारे टैग्स अलग अलग लिखने पड़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो चीज आपके डिस्क्रिप्शन में भी आनी चाहिए और टाइटल में भी आए तो बेस्ट रहता है। ये कॉम्बिनेशन होता है टाइटल का, टैग्स का और डिस्क्रिप्शन का। सो डिस्क्रिप्शन हमारा 7 था और 8 था टैग्स। 9 पे बात करूंगा थंबनेल की। देखिए थंबनेल बहुत जरूरी है। थंबनेल ही सर्च में आता है और दिखाई देता है कि आपकी वीडियो में क्या है। अगर आपका थंबनेल बहुत क्रिएटिव होगा तो आपकी जो ऑडियंस होगी वो जरूर उस पर क्लिक करेगी और देखेगी क्या है। अगर आपका थंबनेल बेकार होगा, भले ही उसके अंदर की वीडियो कितनी भी अच्छी हो, वो जब क्लिक ही नहीं करेगा तो वो वीडियो देखेगा कहाँ से। तो आपको कोशिश करनी है कि थंबनेल के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर सीखना है जिसमें आप एडिटिंग कर सके। ओके, वो फोटोशॉप हो सकता है। वैसे थंबनेल के बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे ऐप आ चुके हैं जिसको आप मोबाइल से इजिली बना सकते हैं, लेकिन क्रिएटिव कितना हुआ है वो देखने वाली बात है। 10वां है आपका एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ऑडियो और वीडियो से रिलेटेड। देखिए बहुत सारे मार्केट में ऐसे ऐप हैं, जैसे कि मैं बात करूँ फिल्मोरा, साइबरलिंक, कैमटेशिया, तो ये बहुत सारे ऐसे हैं कि जिसके थ्रू आप वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग कर सकते। लेकिन आपको पहले सीखना होगा कि ये किस तरीके से होता है, क्योंकि जब आप एक बार चैनल बनाना स्टार्ट कर देंगे तो आपको वीडियो ज्यादा क्वांटिटी में बनानी पड़ेगी स्टार्टिंग में, तभी आप जल्दी ग्रो कर पाएंगे। सो देखिए मैंने 10 चीज आपको बताई। नेम ऑफ योर चैनल, लैंग्वेज, टॉपिक ऑफ योर चैनल, टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन, एडिटिंग सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज और Gmail ID आपके जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट के अवेलेबल हो। तो इन 10 चीजों को अगर आपने सीख लिया या इनके बारे में पढ़ लिया पहले ही अपने चैनल बनाने से, तो आपको चैनल बनाने के बाद बहुत आसानी होगी किसी वीडियो को वायरल करने में या किसी वीडियो को ढंग से डालने की। मैं ये नहीं कह रहा कि वो YouTube की जो आपकी वीडियो है वो वायरल हो जाएगी, लेकिन वो जो पब्लिश आप करेंगे वो बहुत अच्छा तरीका होगा, क्योंकि आपने पहले से ही तैयारी करी है। अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हो तो तैयारी आपको पहले करनी पड़ेगी। एग्जाम में फेल होने के बाद तैयारी करने का कोई महत्व नहीं रह जाता, इसलिए चैनल बनाने के बाद मेहनत करने से अच्छा है कि आप पहले ही तैयारी कर ले, उसके बाद आप सीखेंगे, अपने आपको बेहतर करेंगे, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन ये चीजें हैं जो आपको पहले पढ़ लेनी चाहिए। मैंने ऐसा नहीं किया था, इसलिए शायद मेरे चैनल उतनी ऊंचाइयों पे नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि जो नए क्रिएटर्स आ रहे हैं वो इन चीजों को सीखे। सो आज के इस वीडियो में जो भी मैंने सिखाया था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टॉपिक में लाऊंगा कुछ और यूट्यूब से रिलेटेड। सो अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड विद मी। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का भी।